उत्तर प्रदेश सरकार ने सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज ब्लॉक में कृषि कल्याण मिशन के तहत कृषि मेले का आयोजन किया है। आइए आपको ले चलते हैं उस मेले में और देखते हैं किस किस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और किस प्रकार से यहाँ की जनता को मिल रहा है इस मेले का लाभ। जैसा कि आपको पता है कि आज यहाँ पे किसान कल्याण मिशन का आयोजन किया गया है विकासखंड में, और इसमें अन्य विभागों के साथ साथ हमारे विभाग का भी स्टॉल लगाया गया है। जी, हमारे विभाग में जो स्टॉल लगाए गए हैं मेनली हमारे विभाग में बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जिससे पहले पोषाहार का वितरण होता था और अभी डाई राशन का वितरण सरकार ने प्रारंभ कर दिया है। तो ये स्टॉल लगाने का महत्वपूर्ण यही उद्देश्य था कि किस तरीके से ड्राई राशन से आप विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को बना करके खा सकते हैं, जिससे कुपोषण को खत्म करने में और दूर करने में अत्यधिक मदद मिलेगी। क्योंकि पुष्टाहार में ये था कि अगर केवल नमकीन दलिया है तो केवल आप उसका नमकीन बना सकते हैं, अभी क्या है गेहूँ चावल दाल के आप विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं जिससे आपको स्वस्थ रहने में ज़्यादा। जी, और इससे हटकर और भी इसमें मेले में आयोजित कार्यक्रम चल रहे हैं। हाँ, किसान कल्याण इसमें आपको स्वयं सहायता समूह के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो फसल का इन लोगों के द्वारा प्रोत्साहन से गांव लेवल पे किया गया, जैसे मशरूम की खेती हो गई, ब्रोकली की खेती हो गई, तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे इन सब इन लोगों को जो गांव में गरीब तबका है एक उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और अपने पैर पे खड़ा करने के लिए आर्थिक अर्जन के साथ साथ स्वास्थ्य अर्जन के लिए भी यहाँ पे हर स्टॉलों में बताया जा रहा है। जैसे परिवार नियोजन के संबंध में भी स्टॉल लगा हुआ है, आपका बैंक का भी लगा है कि अगर आप कोई व्यापार करते हैं या फिर कुछ भी काम करते हैं उसे अधिशेष आपके पास प्राप्त होता है तो आप स्टोर भी करिए ताकि अपना फ्यूचर सुधार सके। धन्यवाद। दिन आपको बधाई हो इसके लिए जो आपने अच्छी से सारी जानकारियाँ हमें बताई, और हम चाहते हैं कि इसके माध्यम से और लोगों को इससे जानकारियाँ मिले जिससे इसका लाभ ले सकें। कृषि मेला लगा था, उसी वही मेला देखने के लिए आए थे और हम आवास का फार्म भरे हैं, नाम लिखा लिए हैं। तो क्या आवास का जो आपने फार्म भरा है क्या आपको इस मेले से उम्मीद है कि आपको इसका लाभ मिलेगा? जी हाँ, उम्मीद है कि मिल जाएगा। वीडियो सर जी से भी बात भी किए हैं, वो बोले हैं आपका नाम हम दर्ज कर देंगे उसमें। आपने देखा कि यहाँ पर किसान कल्याण का मेला लगा हुआ है। जी, भारी मात्रा में लोग उपस्थित हैं। जी, और प्रत्येक स्टॉल पर मुझे लगता है कि कम से कम 50,000-100,000 के लगे। जी, और इस प्रकार लोग अपनी जो शिकायतें हैं, जो आवेदन है, प्रार्थना पत्र हैं दे रहे हैं, उनका निस्तारण हो रहा है। जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज अगले शाम को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जैसा मेरा अनुमान है कि 1,000 से ज़्यादा किसान यहाँ पर लाभान्वित हो जाएंगे मात्र एक दिन के अंदर। और ये डुमरियागंज के लिए बहुत उद्देश्य है और यहाँ जो खंड विकास अधिकारी थे। सर, इसके पहले भी कोई कार्यक्रम ऐसा हुआ कि पहली बार ये हो रहा है? नहीं, कार्यक्रम तो होते रहे हैं लेकिन इतना व्यवस्थित कार्यक्रम कराया जाना इसका मतलब एक समन्वित और सबका एक प्रयास है और ये तो एक। ठीक है सर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना विस्तार से जानकारी दिया, इसके लिए आपको बधाई हो। यहाँ जो जानकारी मिली किसान के संबंधित बातें बताई गई, इस प्रकार से खेती करो तो आपका बढ़ोतरी होगा, उस प्रकार से खेती करो तो फिर बढ़ोतरी होगा, और तमाम समस्याएं भी लोगों को जानकारी दी गई जैविक खेती के बारे में। और कुछ आपने अप्लाई भी किया यहाँ? अप्लाई किया है, वो किसान पीएम किसान निधि जो है हमारा नहीं आ रहा था तो उसके लिए अभी तक हम अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो आज अप्लाई किए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जो भाई हैं जो हमारा कागजात लिए हैं वो आगे काम पूरा करेंगे, इसी की आशा रखता हूं। राम बचन राम, उप कृषि निदेशक कृषि रक्षा बस्ती मंडल बस्ती। जी, मैं यहाँ का नोडल अधिकारी बनाया गया हूँ शासन से। जी, और किसी न किसी विकास खंड में मैं मॉनिटरिंग के लिए जाता हूँ। जी, और आज इस विकास खंड में आया हुआ हूँ। जी जी, और ये जो ये सर जो कार्यक्रम चल रहा है ये कार्यक्रम कैसा कार्यक्रम है और इससे कितने लोगों को कैसे लाभ मिलेगा? देखिए, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी। जी, ये हर विकास खंड पे जी कृषि किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत जी एक कार्यक्रम आयोजित किया जाए जिसमें कृषि से संबंधित समस्त विभाग और पंचायती राज या जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट हैं सबसे
माध्यम से एक प्रदर्शनी लगवाई जाए और किसानों को यहाँ इकट्ठा करके सभी विभागों के बारे में जानकारियाँ दी जाए। जी, यही मेन मंशा इसकी है इस कार्यक्रम की, कि जो किसान जो है हर विभाग को अलग अलग जाकर हर विभाग जिले पे ढूंढता है, जी, तो सारे विभाग एक ही छतरी के तले विकास खंड में मिल जाए और सारे अधिकारी यहीं उपस्थित हो जाए और किसानों को जानकारी दें। आज उसी कड़ी में आज इस डुमरियागंज विकास खंड में आज जो गोष्ठी आयोजित की गई है, इसमें हमारे कृषि वैज्ञानिक भी, हम सोना से कृषि वैज्ञानिक महोदय भी किसानों को जानकारी दिए हैं, हमारे जिला कृषि रक्षा अधिकारी महोदय ने भी जानकारी दिया है और ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है और ये हमारे सरकार की एक अच्छी उपलब्धि है कि हमारे किसानों को एक छतरी के तले सारी जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही है और किसान इससे लाभान्वित होंगे और जाकर अपनी खेती किसानी में जो कार्य करेंगे उसमें उनको आय भी दोगुनी होगी। आय दोगुनी करने के लिए सरकार कटिबद्ध है, तो आज किसानों की आय भी दोगुनी की जानी है और किसानों की आय अवश्य दोगुनी होगी जो किसान यहाँ जानकारी लेकर खेती करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, आपको हम बधाई देते हैं कि आपके माध्यम से मतलब इतना जानकारी हमें मिला और ये कार्यक्रम हो रहा है, अच्छी बात है, धन्यवाद। आज हम डुमरियागंज ब्लॉक के में किसान मेला लगा हुआ था, यहाँ पर आए हैं किसानों से कुछ उनसे जानकारियाँ ली हैं, तमाम प्रकार के यहाँ कैंप लगे थे किसान से संबंधित पीएम योजना के तहत, कृषि से संबंधित और कृषि यंत्र भी यहाँ उपलब्ध थे, पौधे भी उपलब्ध थे, समूह के माध्यम से तमाम समूह की महिलाओं के द्वारा तैयार किया गया सामान यहाँ उपलब्ध किया गया था जिससे लोगों को इसका लाभ मिला और अच्छी सी जानकारियाँ लोगों को मिली। हमें लगता है कि इस तरह के कैंप और जिले के और ब्लॉकों में लगे जिससे और लोगों को इससे लाभ मिले। मैं ब्रह्मजीत सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश से, इंडिया नेट।